नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर 2021 जूनियर एडिट एग्जाम के जो 50 नंबर का टॉपिक है उसके हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। तो संविधान वाला जो आज टॉपिक है ये जो है हम देखेंगे। इससे पहले हमने भारत का भूगोल देखा था, साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टोटल हम यहाँ पर 18 प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न और हमसे हम भी जो है वो पूछेंगे। टॉपिक वाइज साइंस वगैरह जो है वो हम पहले ही करा चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति जो है उसका पद जो है वो संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। इस टाइप से चार नाम है, आपको बताना है सही कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि चारों, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, या फिर तीसरा और चौथा। आंसर की बात करते हैं तो आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला जो हैं ये, और जो शंकर दयाल शर्मा है ये। मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है वो 1979 से 1984 तक रहे थे, और जो शंकर दयाल शर्मा है ये 1987 से 1992 तक जो है वो रहे थे उपराष्ट्रपति के पद पर। आपका बी वाला ऑप्शन पहला और चौथा जो है वो सही होगा। और जो हिदायतुल्ला यहाँ पर नाम लिखा है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर जो है वो रह चुके हैं। हिदायतुल्ला जो हैं इन्होंने 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो कार्य किया है, और जो शंकर दयाल शर्मा ये भारत के छठे जो है, छठे नहीं, भारत के 8वें जो है वो उपराष्ट्रपति थे और 9वें जो है वो राष्ट्रपति थे। तो शंकर दयाल शर्मा भी इस टाइप से दोनों पद पर रह चुके हैं। अगला देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न, भारत जो राष्ट्रपति हैं, भारतीय राष्ट्रपति, उनके रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने दिनों में? 90 दिनों में, 6 माह में, 1 वर्ष में, या फिर संसद द्वारा निर्धारित समय में? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 6 माह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति के जो रिक्त पद है उसको 6 माह में जो है वो भर दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद आपका कौन सा है? तो 62 है, अनुच्छेद 62 जो है इसके अनुसार राष्ट्रपति को 5 वर्ष की जो पदावधि है वो समाप्त होने के पहले ही नए राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव है वो संपन्न करा लिया जाएगा। और यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग या कोई भी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका तीसरा, कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियां जो है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, या फिर उच्च सदन में? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला ही राष्ट्रपति जो है यही आपका सही होगा। जो राष्ट्रपति पद्धति है उसमें समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में राष्ट्रपति देश का क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रपति पद्धति एक गणतंत्र प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुना जाता है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो किसको है? राज्यपाल को है, मुख्यमंत्री को है, प्रधानमंत्री को है, या फिर राष्ट्रपति को है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आप क्या कहेंगे कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास जो है वो होता है, और राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसे अनुसूचित क्षेत्र और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की भी शक्तियां जो है वो प्राप्त होती हैं। और राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए एक आयोग भी जो है वो नियुक्त करता है। आपका राष्ट्रपति यहाँ पर सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर मंत्रिपरिषद? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? कौन भंग कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। तो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसकी अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति जो है संसद की बैठक बुला सकता है, या कह सकते हैं कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है,
और लोकसभा को विघटित कर सकने की भी उसके अंदर उसके पद जो है उसमें शक्ति होती है। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है उसको बुलाने का अधिकार या आवाहन कौन जो है वो कर सकता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति ही जो है वो बुला सकता है। पर अगर पूछ लिया जाए उसकी अध्यक्षता, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है कब, यदि मंत्रिमंडल ने अपना जो बहुमत है वो खो दिया है उस स्थिति में। अगला छठा प्रश्न है, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन कह रहा है अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। आपको बताना है सही कौन सा है। दोनों सही हैं और कथन को स्पष्ट कर रहा है, दोनों सही है परंतु स्पष्ट नहीं करता है, कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। इस टाइप से आपको पूछा गया है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि कथन तो सही है पर कारण आपका जो है वो गलत है, कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही है, और राष्ट्रपति का पद संविधान के भी ऊपर होता है, ये आपका जो है वो गलत है। कथन सही कारण गलत, आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। सातवां प्रश्न पूछा गया है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम जो है वो क्या है। पता आपको वर्तमान वाला भी होना चाहिए, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, 10, 11, 12 या फिर 13। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यानी कि 12वां जो है वो हो जाएगा। जो प्रतिभा पाटिल हैं ये जो भारतीय राष्ट्रपति रही हैं उसमें पहली महिला राष्ट्रपति थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, इसलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप सोचें कि अरे ये तो पहले थी, इस समय जो है उनका नाम तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि भारत की पहली महिला थी, इसलिए पूछा जा सकता है। कब से कब तक रही थी, तो 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्रपति पद पर जो है वो रही थी। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो तैयार किया जाता है राष्ट्रपति जो है उसके विशेष सचिव के द्वारा, संसदीय जो मामले हैं उनके मंत्री के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से, या फिर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो तैयार किया जाता है। और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है किस अनुच्छेद में आता है, तो बताइए किस में आता है, तो आप कहेंगे 87। 87 जो अनुच्छेद है इसके तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम जो सत्र होता है ना उसके आरंभ में, और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में जो संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है उसको संबोधित करता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। नवा प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था। बताइए जस्टिस जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, या फिर आर वेंकट रमन, या फिर कृष्णकांत, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर यानी कि कृष्णकांत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जो है ये राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए हैं, ये जो है वो उपराष्ट्रपति तो नियुक्त हुए हैं परंतु राष्ट्रपति जो है वो नहीं नियुक्त हुए, यही जो है वो सही होंगे। और जो कृष्णकांत हैं इनकी जो पद की अवधि है वो चल रही थी उसी के दौरान इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। तो कृष्णकांत जो है 1997 से लेकर के 2002 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो रहे थे। अगला देखते हैं आपका 10वां प्रश्न, कि भारत के प्रथम तीन राष्ट्रपति जो है उनका समय के अनुसार पहले से बाद का सही क्रम जो है वो क्या होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस टाइप से करके चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि क्रम जो है वो इसका क्या होगा। भारत के पहले तीन राष्ट्रपतियों का सही क्रम,
चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। नहीं, पहला नहीं, ये तो जाकिर हुसैन तो बाद में आए थे, पहला तो कट जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले आए थे, फिर आए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और फिर आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए समय भी पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके रहे थे 1950 से लेकर के 1962 तक। जो राधा कृष्णन है वो 1962 से लेकर के 1967 तक रहे थे, और जो जाकिर हुसैन है ये 1967 से लेकर के 1969 तक जो है वो रहे थे। तो भारत के ये तीन जो राष्ट्रपति हैं उनका समय के अकॉर्डिंग क्रम जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध जो है वो चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध जो है वो चुने गए थे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन पहला ही वाला यहाँ पर यानी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है वो सही होगा। ये भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे, और भारत के ये छठे राष्ट्रपति के तौर पर थे। इनका कार्यकाल था 1977 से लेकर के 1982 तक, और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति जो है वो थे। और नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी जो है वो रह चुके हैं। हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या फिर इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक जो है वो करेंगे। चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया है, तो बताइए। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का जो पालन है वो उपराष्ट्रपति जो है वो कब तक जो है वो करेंगे। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे, तो राष्ट्रपति का जो कार्यभार है उसका पालन उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीना जो होता है उसकी अवधि तक जो है वो करेंगे। अनुच्छेद है आपका 62। अनुच्छेद जो 62 है इसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति की 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा, और यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग या कोई भी कारण के कारण खाली है, रिक्त है, तो उसको भरने के लिए 6 माह के भीतर जो है वो कराया जाएगा। अगला देखते हैं आपका 13 प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श जो है वो मांग सकता है। 137, 143, 136, 144, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श जो है वो मांग सकता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आप कहेंगे 143 जो है वो आर्टिकल बिल्कुल सही होगा। यही शायद मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को जो उच्चतम न्यायालय है उससे परामर्श मांगने का अधिकार दिया गया है। जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि विधि या तथ्य का सार्वजनिक महत्व से संबंधित कोई भी ऐसा कोई रीजन आ रहा है, तो जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय चाहिए है, तो उसको उच्चतम न्यायालय को राय के लिए जो है वो भेजता है, परंतु वो उच्चतम न्यायालय की जो राय है उसको मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं होता। तो परामर्श तो मांग सकता है, परंतु मानने के लिए जो बाध्य है वो बिल्कुल नहीं होता है, ये कहते हैं अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो युद्ध की जब बात हो रही हो तो नाम किसका आ जाता है, बिल्कुल राष्ट्रपति का जो है वो आ जाता है। युद्ध की घोषणा हो या शांति स्थापित करने का फैसला हो, इन सभी में राष्ट्रपति जो है ये अधिकार हैं। मैंने युद्ध को राष्ट्रपति से क्यों कहा, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेना है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनका प्रधान सेनापति होता है। और अगर बात करें अनुच्छेद की तो 53-2 इसके अनुसार राष्ट्रपति को युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति जो है वो प्राप्त होती है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार का होता है। ये केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है, सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कि पहला तो बिल्कुल गलत है, दूसरा तो बिल्कुल गलत है, तीसरा भी गलत है, इनमें से कोई नहीं सही होगा। रीजन क्या है,
क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो चुना जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। अनुच्छेद इसका है 55। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान जो दिया गया है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार या पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान में आता है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 70, उसमें जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली और पांडिचेरी, इनकी जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सब वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा चैनल पर। नहीं, प्रश्न आपका लास्ट नहीं है, अभी तो शायद 18 तक प्रश्न है, हाँ तो दो अभी और हैं। चैनल पर नए हो सब लोग सब्सक्राइब करके भी अगर जुड़ जाइएगा। तो बताइए प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में कौन होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या सभी राज्य के विधानमंडल के सदस्य होते हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे लोकसभा भी, राज्यसभा भी और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो होते हैं, किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? संसद के सामने बजट को रखवाना बिल्कुल किया जाता है, राज्यसभा को विघटित करना तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, संसद का सत्रावसान बिल्कुल किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तो मैंने बताया था बिल्कुल किया जाता है, यानी ए सी डी तो किया जाता है, बी वाला नहीं किया जाता है। तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता यही पूछा गया था, तो बी वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि राज्यसभा को विघटित क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके जो एक तिहाई सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और संसद के सामने बजट रखना, सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, ये सभी राष्ट्रपति के जो है कार्य में आते हैं। तो ये प्रश्न आपका है 18 नंबर इस वीडियो का लास्ट। मैंने कहा था ना कि 18 तक हम कराएंगे आपको, और 19 वाला जो प्रश्न है हम आपसे जो है वो पूछेंगे। तो 18 प्रश्न आपका है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार जो है वो किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के महान्यायवादी? काफी बार मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है, अगर आपको याद होगा कि जैसे किसी को मृत्युदंड दिया जा रहा है तो वो यही तो कहेगा कि कोई तो मेरा साथ दो, सात से सेवन हो जाएगा, दो से दो हो जाएगा, तो 72 आर्टिकल में मृत्युदंड जो है के बारे में बताया गया है। और क्षमादान का जो अधिकार मृत्युदंड के मामले में होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। तो बस यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न समाप्त हुए, अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में आपसे एक लाइक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा, और लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे की, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। ये प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है, कि जो पॉकेट वीटो होता है उसमें भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास जो है वो रख सकते हैं? 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 12 माह के लिए, या फिर अनिश्चित काल के लिए? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, आप आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। पॉकेट वीटो के बारे में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो आंसर के दूसरी चीज पूछी गई है। तो पॉकेट वीटो जो है, जो राष्ट्रपति जैल सिंह थे, उन्होंने एक विभाग था जिसका नाम था भारतीय डाक विभाग। तो भारतीय डाक विभाग जो संशोधन विधेयक था उसके संदर्भ में पॉकेट वीटो का यूज किया था 1986 में। किसने? राष्ट्रपति जैल सिंह ने। उनका पूरा नाम था ज्ञानी जैल सिंह, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है डायरेक्ट अलग से आपसे पूछ लिया जाए। बाकी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।